आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान बाय ट्रेन इंडिया टू पाकिस्तान। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर, चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लिए हमें 20 रास्ता है पाकिस्तान में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग पे। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है जिसमें मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। एक यार ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनली एक दिन ट्रैवल करूंगा, सो आज वो दिन आ गया है। सो पाकिस्तान में कैसे जा रहा हूँ, क्या क्या गाइडलाइंस है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड कैसे आप जा सकते हो, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो फिलहाल अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने कल RT-PCR टेस्ट करवाया था जो कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। बाकी देखिए ऐसा कुछ रोड है एंड ऐसे में जा रहा हूँ। यहाँ पे मजा होता है दोस्तों, ये मतलब बिना पेट्रोल के, मतलब बिना स्टार्ट किए हुए मैं जा रहा हूँ। देखिए एकदम से इलेक्ट्रिक ढलान है ना, इसलिए अपने आप स्कूटी चल रही है। समझ नहीं आई। हेलो जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं कठुआ सिटी हॉस्पिटल में और यहाँ से मैं लूंगा अपनी RT-PCR रिपोर्ट। बाय द वे मैंने कल करवाई थी वो, तो वो बोल रहे थे कि तीसरे दिन मिलेगी, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी थी। सो दोस्तों ये थी पीछे अमृत फार्मेसी, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वालों ने यहाँ पे ब्रांच खोली है एंड ये मिल गई मुझे मेरी रिपोर्ट जो कि नेगेटिव आई है। अब आपको सीधा दोपहर को मिलते हैं जब मेरी ट्रेन है, ठीक है? एक दिन पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि 25 को मेरी डेट ऑफ जर्नी है जब मैं इंडिया से पाकिस्तान जाऊंगा, लेकिन मुझे 24 को निकलना पड़ेगा यहाँ से अमृतसर। काफ़ी तेज़ हो चुकी है देख सकते हो, और आ चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे। यहीं से मेरी ट्रेन होगी जो कि अमृतसर लेके जाएगी। कौन सी ट्रेन है वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ करतारपुर साहिब। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भाई करतारपुर साहिब पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है, यहाँ पे इंडियंस को जाना अलाउ है, और मतलब इंडियंस कहीं भी नहीं जा सकते। दो तीन रीज़न होने चाहिए फिर आप पूरे पाकिस्तान घूम सकते हो। जहाँ तो आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए वहाँ पे, और या आपका कोई बिजनेस होना चाहिए बड़ा पाकिस्तान में, या आप मंदिर में जा सकते हो। बाकी दोस्तों जो हमारी ट्रेन आएगी वो 3:10 पे आएगी इसी प्लेटफॉर्म पे, और 7 बजे के आसपास हमें अमृतसर पहुंचा देगी। बाकी आपको और भी ज़्यादा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले ट्रेन का वेट कर लेते हैं। ट्रेन कौन सी है? जम्मू तवी से संबलपुर, जम्मू तवी संबलपुर स्पेशल है। इसमें मैंने एक बार पहले भी यात्रा करी थी, तो ट्रेन आती है उसके बाद यात्रा को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर टू पाकिस्तान सीरीज पार्ट 1 होने वाला है। अभी जम्मू में दोस्तों टाइम हो रहा है भाई 3:08 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है WAP-4 के साथ टाटा में। अभी वो अमृतसर जा रहे हैं, दोस्तों अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन वीक में सिर्फ 4 दिन चलती है। चलने का टाइम है इसका 2:20 पे। ये जम्मू तवी से खुलती है, 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन 4:15 पे आपको संबलपुर पहुंचाती है, और इसका नंबर है 18310 टाटा मोरी। सो हम तो इससे 160 के समथिंग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों ये ट्रेन 49 घंटे और 55 मिनट यानी कि 50 मिनट लेती है, 62 इसके हॉल्ट हैं, लेकिन हमारे बहुत कम रहने वाले हैं क्योंकि हम अमृतसर तक जाने वाले हैं। और ये हमारा आज का कोच D4। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है हीरानगर से। हीरानगर बीच के स्टेशन से, बीच में कह तो दिया था मैंने। यार मुझे समझ नहीं आता लोग पटरियों को क्यों गंद फेंकते हैं। यहाँ पर भी मुझे यही देखने को मिलता। अच्छा ना ऐसी जैसी यहाँ पे ट्रेन चलती है ना, वो गेट का मुझे उसी तरह का लगा। ये देखे गेट में लोगों ने फूका,
यहाँ पे भी ऐसी आपको लाइनें नजर आती है, पान की बुक आ रही है या उसका झुटका होगा। वो देखिए दूर दूर पहाड़ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये तो प्रॉब्लम है, लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना। ये तो पाकिस्तान में अवामी एक्सप्रेस मालगाड़ी के लिए वही ना, मैं आपको फीलिंग वही आ रही है। दोस्तों देखिए पहले यहाँ पे सिंगल लाइन थी, लेकिन अभी यहाँ पे डबल लाइन हो चुकी है, अभी नई नई लाइन बनी है। सिंगल लाइन हाँ, नहीं कराची वाली साइड पे डबल लाइन है, बाकी सिंगल लाइन। नहीं मेजॉरिटी की बात कर रहे हो, तुम बीच में तो एक ही ले लेते हो। हाँ तुम जो भी ट्रैक डबल है कराची वाली साइड, तो पूरा ट्रैक कराची नहीं जाते। हाँ तो ये कहना मैं जिस साइड पर जाती हूँ उस साइड की बात कर रही। हाँ तो मेजॉरिटी ट्रैक नहीं है। पठानकोट जंक्शन तो दोस्तों जम्मू तवी से लगभग 99 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है पठानकोट जंक्शन पे। इसका स्टेशन कोड है PTK। यहाँ पे हमारी ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन के लोकोमोटिव चेंज होगा। आगे देख सकते हो आप रास्ता है जो वो बंद है, क्योंकि आगे हिमाचल पड़ जाता है एंड इसका लोकोमोटिव यहाँ से खुल के पिछली वाली साइड लगेगा और उस साइड जाएगी, फिर से मतलब रिवर्स ही आएगी और बरौली से कट के अमृतसर जाएगी। बाकी आधा घंटा रुकेगी, पिछले कुछ खा भी लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए लोकोमोटिव खोल रहे हैं, अब शंटिंग फिर से होगी इसकी यहाँ से खुल के आगे। बाकी दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी शंटिंग इसकी। चेंज क्यों होगा वैसे अगर रास्ता जो है वो आगे वो जा रहे हैं मतलब वैसे साइड। हां ये खोल रहा है तो यहाँ इनको खोलने देते हैं। हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, यार बहुत भूख लगी है। ये रेस्टोरेंट है कुछ इस तरह से, यहाँ पे रात में चावल मिल रहे हैं, तो मैंने ट्राई कर लेते हैं। हमने राजमा चावल भाई खाना वाना खा गया और टाइम अब भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि आधा घंटा पहले पहुँचा दिया हमारी ट्रेन ने। तो अभी लोकोमोटिव भी खुल के आगे जा चुका है, वरना मैं आपको दिखा देता। तो अभी वेट करते हैं 5 बजे तक। बाकी वो देखिए सामने कांगड़ा वैली वाली टॉय ट्रेन आ रही है, वही दिखाते हैं आपको। यार वो देखिए इधर से ही जूम करके दिखाते हैं थोड़ा बहुत। वो देखिए ग्रीन कलर की दिख रही है ना। ये अपने भाई मिले हैं, दोस्त मिले हैं, जम्मू से ही हैं। क्या नाम आपका? लवजीत। और ये अमृतसर जा रहे हो? तो ये भी भाई अपनी तरह अमृतसर जा रहे हैं। तो भाई अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पठानकोट जंक्शन से पाकिस्तान से। ते हुने भी है पाकिस्तान ते दस देना पूरा। अच्छा पिंड दा नाम लै, पिंड दा नाम लैंदे आसे पासे पूरे पिंड दा नाम लैंदे। फोन भी लैंदे हो? हां सही है। हां वाले जो बोलिए ना पता नहीं तो लगी ना मैं और इस पर जा रही है नॉन स्टॉप है और उसमें इतने हॉल्ट हैं।
और ये जो लोकल अभी है हर स्टेशन पर रुकी हुई है। इधर देखो ये भी सही है ना कि अगर हर अगले स्टेशन पर उतरना है जिस तरह से रात बज के 33 मिनट हो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है अमृतसर। देखिए 7:15 मिनट पे टाइम था लेकिन 15 मिनट लेट आई है। तो चलो अब कोई होटल वगैरह देखते हैं क्योंकि अब हमारी जो यात्रा होने वाली है वो अमृतसर से बाबा डेरा नानक तक की होने वाली है। तो अभी तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ जर्नी है वो कल है। अभी हम आए हैं एक शॉप पे मनी एक्सचेंज करवाने के लिए क्योंकि भाई अगर आप करतारपुर साहब जाते हो तो वहाँ पे इंडियन रुपीस नहीं चलते हैं, वहाँ पे $20 मतलब डॉलर करेंसी चलती है। तो हम यहीं से एक्सचेंज करवाते हैं, ये भैया की शॉप है यहाँ से हम एक्सचेंज करवाएंगे। ये हमें 1540 रुपीस ले रहे हैं तो अभी लेते हैं यहाँ से। ये इनकी दुकान है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये इनका नंबर आ रहा है मनी एक्सचेंज, कोई भी कितनी मनी एक्सचेंज करवा देते आप। हाँ करतारपुर, हाँ जी हाँ जी, लिए हमें $20। देखिए फर्स्ट टाइम डॉलर को हाथ में पकड़ा 20। भाई दे यार आधार कार्ड, आधार कार्ड चेकआउट विशाल विशाल। हाँ ये नहीं नहीं नहीं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे क्योंकि जो मैंने रूम लिया था वो थोड़ी दूर था रेलवे स्टेशन से एंड रात को आपको रूम टूर करवाना था वो करवा नहीं पाया क्योंकि भाई मैं अमृतसर शहर घूम रहा था रात को। और अभी जा रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे एंड टाइम देख सकते हो सुबह का मतलब सुबह के साढ़े तीन हो रहे हैं और 4:20 पे मेरी ट्रेन है डेरा बाबा नानक जाने के लिए। सो ये भाई हमारा अमृतसर रेलवे स्टेशन और तकरीबन टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं और 4:20 पे यहाँ से ट्रेन है बाबा डेरा नानक जाने के लिए और एक ही ट्रेन जाती है अमृतसर जंक्शन से, अदरवाइज आपको बहुत खज्जल होना पड़ सकता है, बस वालों को पैसे देना पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह उठकर आ गया, हड़बड़ी में आया ना, आपको रूम टूर करवाया। बट मैं आपको रूम प्राइस बता देता हूँ, मैंने जो दरबार साहब है उसके आसपास रूम लिया था जो कि मुझे 400 में पड़ा था, काफ़ी बढ़िया रूम था, एसी रूम था। सो दोस्तों इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए यानी कि इंडिया से करतारपुर साहिब जाने के लिए आपको चाहिए होता है एक इंडियन पासपोर्ट और उसके बाद आपको चाहिए होती है एक इंडियन कोई भी आइडेंटिटी हो, आधार कार्ड हो या कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको 15 या 20 दिन पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि आपको प्रकाश पर्व वेबसाइट है करतारपुर साहिब की, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, CID वेरिफिकेशन होती है, आपके घर पर बंदे आते हैं वेरीफाई करने के लिए आपको। ऐसा प्रोसेस 5 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर चल सकता है और जिस दिन आपकी डेट ऑफ जर्नी होगी उससे 4 दिन पहले आपको एक ETA मतलब फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपका ETA फॉर्म नहीं आता है तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको रिजेक्ट भी मतलब किया जा सकता है अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या कुछ भी है, ठीक है। मेरा तो भाई कंफर्म हो गया था 4 दिन पहले 3 दिन पहले आपको कभी भी मैसेज आ सकता है। उसके बाद आपको अमृतसर आ जाना है, यहाँ जैसे मैं आया अमृतसर से आपको जाना है बाबा डेरा नानक जहाँ पे इनका कॉरिडोर है इमिग्रेशन का इंडिया का, उसके बाद पाकिस्तान का। मुझे खुद नहीं पता है कि क्या करना वहाँ पे, $20 लगते हैं ये मुझे पता है क्योंकि उन्होंने पहले बता के रखा था कि वहाँ पे इंडियन रुपीस नहीं चलते हैं। मैम डेरा बाबा नानक एक आगे भाजी पैदल ही आगे जो कि हमें 35 रुपीज़ की पड़ी है, एक भाई की है, भाई ने पैसे दे दिया, उनको चेंज करवा के देता हूँ मैं। चलिए चलो भाई आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और देर लगी हमारी 06921 अमृतसर से डेरा बाबा नानक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन और ये 4:20 पे चलती है और 5:50 पे आपको डेरा बाबा नानक पहुंचा देती है। डिस्टेंस तकरीबन 50-51 किलोमीटर का है बाय ट्रेन, ऐसे तो भाई ज़्यादा होगा बाय बस
70 के आसपास पड़ जाएगा आपको, क्योंकि घूम के जाती है, लेकिन ये बेरका से कट जाएगी। बाकी काफी, चलिए अंदर चलते हैं। कोई तो दिख नहीं रहा मुझे इस ट्रेन में। इंटीरियर देख सकते हो एकदम DMU ट्रेन के तरह इंटीरियर है। बट यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है। 4:20 हो चुके हैं एंड अपने राइट टाइम पे देख सकते हो 4:20 पे डिपार्ट करने को रेडी हो चुकी है हमारी स्पेशल ट्रेन। राइट टाइम पे डिपार्ट करा है अमृतसर जंक्शन से। निकल चुके हैं हम अमृतसर स्पेशल, पहली बार ही देख रहे हैं। जंक्शन ही है कोई वीरता। सो दोस्तों, अमृतसर से लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले स्टॉप पे, जो अपना वेरका जंक्शन स्टेशन कोड VKA। दोस्तों जो अपना वेरका जंक्शन है ये मेन लाइन पे पड़ता है पठानकोट अमृतसर वाली, लेकिन अब हमारी ट्रेन यहाँ से कट जाएगी और जाएगी डेरा बाबा नानक वाले रूट पे, क्योंकि जो मतलब सीधा रूट गया है ये गया अपना पठानकोट जंक्शन वाला। और दोस्तों वेरका से आपको 2-3 गाड़ियां मिल जाएगी डेरा बाबा नानक जाने के लिए, हालांकि अमृतसर से आपको 1-2 गाड़ी ही मिलेगी। यहां से 9 बजे भी गाड़ी है, 5 बजे भी गाड़ी है और एक ये वाली या तो रही है, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम मजीठा कोटला और गुजरा कोटला गुजरा और फतेहगढ़ चूड़ियाँ ये सब मतलब छोटे छोटे स्टॉपेज को स्किप करने वाले हैं। लेकिन बच्चों को ना मना करना चाहिए क्योंकि ये भी सकते हैं। अभी अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है रामदास रेलवे स्टेशन से। देखिए एक ही मतलब यहाँ पे बिल्डिंग बनी है और काफी ज्यादा पुराना रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना दिख रहा है ये। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, इधर भी देखो एक बंदा नहीं है और इधर भी एक बंदा नहीं है। एंड मुझे पता कैसा फील आ रहा है कि मैंने ये पर्सनल ट्रेन बुक करके रखी है, बाय द वे जस्ट फॉर जोकिंग। 6:01 हो चुका है, 5:50 पे टाइम था और सन भी राइज हो रहा है धीरे धीरे और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बाबा डेरा नानक, डेरा बाबा नानक सॉरी। एंड देखिए डेरा बाबा नानक बोलो या बाबा डेरा नानक बोलो एक ही बात है। देखिए अराइवल हमारी गाड़ी का यहाँ पे। बोल रही है पाकिस्तान से कितना करीब है? करतारपुर से 4 किलोमीटर। अच्छा, वो जो जहाँ पर दूरबीन लगी हुई है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है बट फिर भी यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है। लो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम डेरा बाबा नानक और यहाँ से जाएंगे करतारपुर कॉरिडोर है ये, जो हमारी इंडियन रेल है वो नहीं जाती है क्योंकि इसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। कॉरिडोर कितनी दूर है बाबा जी? नहीं लाइन नहीं है लेकिन 3 किलोमीटर है। तो बाकी दोस्तों अंकल ने मुझे एक शॉर्टकट कराया है, मतलब शॉर्टकट नहीं ये वाला रास्ता है। तो ये है कुछ सुबह का व्यू एंड वो था हमारा रेलवे स्टेशन। काफी मतलब सुनसान जगह है और यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ और कोई भी नहीं यहाँ पे। और दोस्तों भैया से मैंने पूछा, वो ये बोल रहे हैं कोई 2 किलोमीटर होगा यहाँ से कॉरिडोर, लेकिन मैंने अंकल से पूछा, अंकल बोलते हैं इस रास्ते से इस गली से सीधा चले जाओ एंड यहाँ से कोई 800 मीटर दूर होगा डेरा, डेरा से फिर मुझे कॉरिडोर जाना पड़ेगा। बट यार यहाँ पे कुत्ते हैं साले, मतलब यहाँ पे जो कुत्ते हैं ना वो बहुत मतलब काटने को पड़ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं डेरा सबसे पहले। और यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके नेटवर्क चले जाते हैं, मेरे तो एक भी नेटवर्क नहीं है एंड मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना जाना है कैसे जाना है। मैप भी नहीं यार खुल रहा है तो अभी पूछ के जाना पड़ेगा यार। मुझे
भैया ने मुझे काफ़ी लंबी लिफ्ट दी। सो दोस्तों अभी मैं आया था डेरा बाबा डेरा नानक, ये पीछे गुरुद्वारा था, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, मैंने सोचा चाय वगैरह पी ली है, बहुत बढ़िया ये मतलब आप दर्शन कर सकते हो। ये मैंने शॉट लिए हैं गुरुद्वारे के, आप थोड़े से दर्शन कर सकते हो, उसके बाद हम कॉरिडोर में जाएंगे। अभी खुल गया ये? हाँ देख लेते, देखा तो 8 बजे खुलेगा और 9 बजे छोड़ेंगे, है ना? वापिस कितने बजे आना है वहाँ से? 5:30 तो देख सकते हो आप, मैं पहुँच चुका हूँ करतारपुर कॉरिडोर पे, सामने आपको दिख रहा होगा ये पूरा करतारपुर कॉरिडोर है, एंड यहाँ पे 8 बजे स्टार्ट हो जाती है भाई इमिग्रेशन, आपका अंदर जाने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है और 9 बजे आपको अंदर जाने देते हैं और 5:30 तक आपको वापस आना पड़ता है पाकिस्तान से। सो देखिए एक बार और हम वो हमारे देश का फ्लैग है देख सकते हो, और दूसरी साइड आपको पाकिस्तानी फ्लैग भी दिख रहा होगा, दूसरी साइड थोड़ा दूर है वो। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? अब आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, मतलब कि कॉरिडोर से पाकिस्तान का ब्लॉग हम दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो भाई ज़रूर पूछें, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे ऐड करना ना भूलिए, यूज़र आई डी मिस्टर विशाल अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर। सो बाय बाय, जय करतारपुर साहिब। भाई बात करें इस वीडियो की, तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगा कि शायद जम्मू से बैठे हैं, लेकिन वो जम्मू से नहीं बैठे, बीच में से वो बैठे थे, उस स्टेशन का नाम था हीरानगर जहाँ से वो बैठे थे। अच्छा बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना, ऐसे लगा था इनके स्टेशन की मैं बात नहीं करूँगा, स्टेशन थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन स्टेशन से जैसे ट्रेन बाहर निकली ऐसे लग रहा था जैसे भाई पाकिस्तान में घूम रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूँ, इतनी लंबी ट्रेन जर्नी, आई मीन बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट शहरों से आते हैं, और मैं कहूँगी कि ये एक डेडिकेशन आपको चाहिए होता है, सीरियसली ये एक प्यार होता है आपका, मतलब उस जगह के लिए जहां पर आप जा रहे होते हो। तो एक चीज मुझे जो लगता है ना कि थोड़ा सा और चीजें होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा इतना लंबा सफर करके जा रहा है और फिर 9 बजे मतलब वहां पर इमिग्रेशन स्टार्ट होती है, 5:30 वहां से वापस आना होता है, तो मुझे ये चीज नहीं सही लगती। मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट दोनों गवर्नमेंट को बैठकर ये इस चीज पर आना चाहिए कि वहां पर रुकने के लिए, कि यानी कोई अगर नाइट स्टे करना चाहता है या 2 रात जितनी भी उसका मन है वो स्टे करना चाहता है तो वो वहां पर स्टे करे। और मुझे लगता है उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे, चलो अगर आपने हर जगह के लिए परमिट नहीं देना तो एटलीस्ट कुछ गाँव के परमिट तो देने चाहिए जहां पर जाकर वो विजिट कर सके और देखे, मतलब इतनी दूर से कोई आया और आके सिर्फ वो वहां से मतलब वापस चला जाएगा, और मतलब इतनी शॉर्ट जर्नी होती है, आपकी थकावट भी नहीं खत्म होती, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो इतना लॉन्ग प्रोसीजर है ना वो नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें सीआईडी आती है, पुलिस आती है, वो हां यानी कि क्या नाम लेते हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान में ये सिनेरियो चलता है कि नाम लेते हैं यूके वाले ने अगर इंडिया आना हो पाकिस्तान आना हो तो उनके घर भी क्या पुलिस जाती होगी, हम तो इतनी देर वहां पे हुकूमत करके आए हैं तो अब तुम जाओगे तो ये है वो है। तो मुझे पहले ये बताओ कि अगर जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हमारे घर में भी आएगी? हाँ इंक्वायरी तो होगी, इसमें पता है पाकिस्तान में किसी घर में पुलिस आती है बहुत बुरा समझा जाता भैया, वहां पे भी नहीं अच्छा समझा जाता, पुलिस कहीं पे भी किसी के भी घर में आए ना अच्छा नहीं समझा जाता। बाहर के मुल्कों में तो वो बड़े फ्रेंडली होते हैं ना, मतलब जो थोड़े हम कहेंगे कि वहां पर तो डर नहीं लगता, हमें यहाँ पर तो पुलिस को देखकर डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या कर देगी। बाकी जो है ना ये आपके घर बेशक पुलिस किसी अच्छे यानी के वो अच्छे पर्पस के लिए तो नहीं, यानी के वैसे ही अगर क्या नाम लेते जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर पर्पस इसकी बात करें, अगर पुलिस जो है वो इंक्वायरी करना है तो ये भी चीज जो है बहुत ज्यादा लोग जो है उनके घर पुलिस क्यों आई है, तो ये चीज जो है बाकी इंडिया पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ पर जो है ये चीज समझी जाती है। लेकिन खैर वीडियो की बात करते हैं कि जो है अब जो नहीं परमिट दिया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें तो जब हम भी करतारपुर जाते हैं तो 2-3 चेक पोस्ट से हमें भी गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद हमारी फेस स्कैनिंग होती है, हमारी जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, खाने पीने की कोई चीज अंदर लेकर, खाने पीने की चीज नहीं अंदर, खाने पीने के अलावा भी यानी कि आप कुछ भी अंदर जो है नहीं लेकर जा सकते आपको, क्योंकि अंदर हर चीज मिलती है, खाना अंदर आपको मिलता है, अंदर छोटा सा बाजार बना हुआ है वो भी घूमने को मिलता है, तो जो है यहाँ पे भी काफी ज्यादा हम लोगों को रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो फेस करनी पड़ती है। बट वैसे मैं फिर यहाँ पर बोलूंगी वो जो बाजार मिलता है ना, मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत चीजें ऐड करने की जरूरत है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐड की जाए, जो वाकई में हम कहेंगे
मतलब वहां पर मुझे लगता है ना कि इस तरह से होना चाहिए कि डिफरेंट स्टॉल्स लगने चाहिए, यानी कि चलो मान लो क्योंकि अभी जो लोग है ना जो अच्छी बात है कि जो इर्द गिर्द के गाँव है उनको एक रोजगार मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर एक फूड स्टॉल्स होने चाहिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट शहरों को रिप्रेजेंट करते हो, वहां पर उनके खाने होने चाहिए, टेस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर देना चाहिए। तो मैं ये थी ये चीजें आप जितनी आप अच्छे से कर सकते हो आपका मुझे लगता है कि उतना मेहमान नवाजी में नाम होगा, बट मुझे लगता है कि काफी कम तवज्जो है इस साइड पर जो कि लेकर आनी चाहिए इन लोगों को। बट खैर हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी हैं करतारपुर कॉरिडोर की, मतलब इंडियन साइड से काफी ज्यादा जो लोग आते हैं उनको भी हम लोगों ने देखा है, हम लोग खुद भी दो मरतबा विजिट करके आ चुके हैं, वो भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन एक चीज के जिस तरीके से आज हम लोगों ने जर्नी देखी ना, ये थोड़ा एक डिफरेंट अनुभव था हमारे लिए। तो मुझे ये बहुत मजा आया, स्पेशली जब लास्ट स्टेशन आ गया था जहां पर वो आकर मतलब उनका हम कहेंगे कि आगे की जर्नी स्टार्ट होनी थी, वो गांव और वो स्टेशन मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान में कोई स्टेशन देख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग भी अपनी गांव में जाते हैं तो बीच में ऐसे ही स्टेशन आते हैं, ऐसे ही दरख्त, और मतलब एक होती है जगह की एक यू नो वाइब होती है। और अब तो खैर इतनी सुबह जो है ट्रेन नहीं जाती, वरना पहले जो है किसी वक्त में सुबह 5 बजे ट्रेन निकला करती थी, तो क्योंकि गाँव पहुंचे पहुंचे इसी तरह जो है दिन चढ़ जाता था, तो वो जब ट्रेन यानी इसी तरह के सारे बचपन की बात कर रहा हूँ, इसी तरह के वो सारे नजारे जो है वो देखती थी कि आप नहीं फिलहाल अभी बचपन के नहीं हुए ना अभी होने वाले हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है उसमें, लेकिन बीच में जो है ना यानी कि स्टेशन से इसी तरह यानी अपन अंधेरे में पूरा सफर जो है वो गुजार लेते थे, और लिटरली उसमें बड़ी ठंडी हवा जो है सुबह सुबह आपको जो है वो देखने को मिलती थी। बाकी जो है मैं कुत्तों की बात करूँ तो कुत्ते जो है वो चलती ट्रेन को भी पड़ जाते हैं, ये तो फिर अकेले जा रहे थे, वरना अक्सर कुत्ते ऐसे थे ट्रेन को देख के भौंकना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां पर कैसे उनको हैंडल किया होगा, बट सीरियसली ये बहुत एक स्केरी सिचुएशन है। जब मुझे वैसे वो जब कुत्तों वाली बात करूं मुझे तो मौसम याद है कि मौसम की हालत कैसी टाइट हो सकती है ना, मुझे पता इनफैक्ट मैं खुद बहुत डर जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। लेकिन ये कि आपको डर लगता है जब आप किसी नई जगह पर जाते हो आपको दिक्कत जरूर आती है, जैसे अभी हम रिसेंटली पहाड़ों पर होकर आए, नहीं मतलब कुम्हराट में होकर आए, कल किसी कॉमेंट किया मैंने इतना फनी लगा कि ये क्या होता है हम लोग पहाड़ों पर होकर आए, पहाड़ों का कोई नाम नहीं होता, ये क्या होता है हम लोग अब्रॉड होकर आए, अब्रॉड का कोई नाम नहीं होता, इतना फनी लगा। लेकिन हाँ हम लोग जैसे अभी अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह गए तो हम लोगों को काफी ज्यादा एक मुश्किल देखने को मिली, और यू नो मतलब काफी चेंज आपको फील होता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप अपनी जगह को छोड़कर किसी नई जगह जाते हो एक्सप्लोर करते हो तो आप सारी दिक्कत आती है। और दूसरी जो है मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि मैंने जो है एक दो वीडियोस देखे जिनमें ये चीज जो है दिखाई गई कि किसी टाइम पर जो है वो इधर से शेखगढ़ वाली साइड से ट्रैक होता था इंडिया वाली साइड पर जाता था, और वो जो है जब सैलाब वगैरह क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं था तो वो जो बह बू गया, तो अच्छा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वाकई जाता था या नहीं जाता था, अगर किसी को मालूम है ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में कभी जो है शकरगढ़ नारोवाल वाली साइड से साइड पे ट्रैक था, क्योंकि चक अमरू तक तो है। अच्छा जी, वैसे मैं बता दूँ शकरगढ़ के लोग बहुत मशहूर हैं यहाँ पर, और वो क्यों मशहूर है मशहूर है वो तो ये एक तो पढ़े लिखे बहुत होते हैं वो शकरगढ़िये है। हाँ शकरगढ़ी बहुत पढ़े लिखे थे, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है शकरगढ़ी का, बिहार वाला एक वो हो गया ठीक है ना, हाँ, बिहार के लोग भी पढ़े। और दूसरा जो है आप बता दें, मैंने तो सुना कि लड़ाके बहुत होते हैं, मैंने तो ये सुना पढ़े लिखे होते हैं बहुत, पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसे मुझे नहीं पता था। और भाई एक और चीज के शकरगढ़ वाली साइड के जो ड्राइवर होते हैं ना बहुत ही आपको यहीं पे सुनने को मिलती है सड़क पे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोलते हैं जो मतलब जो हम लोग गाँव वाली साइड देखे हमारे बड़ों को, बट एनीवे मुझे बहुत मजा आ रहा था देखने का, लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई इंडिया की साइड का जो गाँव है वो देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमारी साइड का गाँव है, एकदम मजा आ रहा था। एनीवे बहुत मजा आया, और ब्लॉगर की भी बातें सुनने का मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा उनकी वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।